बताओ कि कहाँ के हैं आप? मुंबई। मुंबई में कहाँ के हैं? मुंबई मनीष मार्केट। मनीष मार्केट में आपकी दुकान है? जी सर। तो बड़ा प्रॉपर मुंबई लोकल के हैं? आज डबल डेकर था। डबल डेकर का क्लीनिंग प्रोसेस क्या था? प्रोसेस निकाल के रिवॉल्व करके और उसके बाद में लगाया। हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल। 28 जनवरी बैच के स्टूडेंट के साथ, 28 दिसंबर बैच के स्टूडेंट के साथ, 28 जनवरी की 28 मैं 28 दिसंबर में चला गया। चलो ठीक है। हाँ माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल, 28 जनवरी बैच के स्टूडेंट के साथ मैं, और ये है आखिरी दिन का इनका आउटपुट। की पूछना चाहता हूँ मैं इनसे कि पहले और अब के बीच कितना अंतर है, पहले इनको क्या आता था, कहाँ से यह है इनकी जर्नी। और ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पर, वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, दोनों पर भाई लाइव और फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और चलिए पूछते हैं इनसे, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? बफा खान। बफा जी मुझे बताओ कि कहाँ के हैं आप? मुंबई। मुंबई में कहाँ के हैं? मुंबई मनीष मार्केट। मनीष मार्केट में आपकी दुकान है? जी सर। तो बड़ा प्रॉपर मुंबई लोकल के हैं आप? हाँ, बड़ा मार्केट है? और हाँ बड़ा मार्केट है, अगर गांव देखें तो लखनऊ। लखनऊ के हैं? प्रॉपर लखनऊ के, पर मुंबई है? मुंबई से है। अच्छा जी। तो वफा जी ये बताओ कि मनीष मार्केट में कब से काम कर रहे हैं आप? 7-8 साल। क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल पे बताइए, आराम से उसको बताइए। ज़्यादा कहना माइची वैसे का कोई काम नहीं। हाँ जी, बस खाली डिस्प्ले, टच ग्लास, ये इस पर ज़्यादा ध्यान। तो आपने क्यों ऐसा लगा कि रिपेयरिंग के और एंड लेवल पे? सर आपका वीडियो देखता था तो फॉलो करता था, जो बच्चों का रिव्यू रहता था। हाँ, तो बहुत अच्छा है। एक बार सोचते थे कि ना जाए, मगर जब फिर रिव्यू देखते थे तो फिर सोचता था कि पहले चले जाए। आज आप खुद दे रहे हो? हाँ आज हम खुद दे रहे हैं, क्योंकि रिव्यू की वजह से ही सारे लोग आए। बिल्कुल। और जो कोई रिव्यू अगर कोई गलत देगा तो सर यहाँ हो सकता है कि झूठ दे, मगर अगर वो बाहर जाएगा, जब एशिया टेलीकॉम से बाहर जाएगा, अगर वो भी बता रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बात की है यहाँ पर कि उनको बहुत रेफरेंस मिला है। जी सर। किसी को कहीं से तो किसी को कहीं से, उन्होंने किसी ने भाई ने दिया तो किसी ने दोस्त ने किया, किसी ने दुकान वाले ने कि आप एशिया टेलीकॉम जाओ। तो ऑल ओवर इंडिया एशिया टेलीकॉम को रखता है। मरीज मार्केट में एशिया टेलीकॉम के बारे में पता है लोगों को? बहुत कम पता है। अभी हम आए हैं, जब से एक तो हो गया बुकिंग, अच्छा अगले तारीख को आने वाला है, और एक अब मुझे लगता है भीड़ लग जाएगी, ऐसा फील होता है। अब ये बीच में पड़ रहा है रमजान, नहीं तो अभी ये रमजान ईद के बाद में ना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग आपको मनीष मार्केट से जो जानते हैं, जो आपके दोस्त हैं आपकी दुकान के आसपास वाले, वो आपको लाइव भी देखते होंगे? फोन करते हैं, बोलते हैं कि कहाँ चला गया भाई, बोलते हैं कहाँ हो, और वो भी बोलते हैं जाना था तो मुझे बताना चाहिए। हाँ सर बताने, अब यहाँ आने से पहले कुछ कन्फर्म नहीं था, सीट फुल है। हाँ। जब एमडी सर ने फोन उठाया तो बोले ठीक है कल सुबह निकलो। अब मैं किसको तैयार करूं? इमीडिएटली आपको बताया? मुझे रात में भी पता नहीं था कि मुझे सुबह जाना है। ओके। पहले तो बताया नहीं, सीट फुल है। अच्छा। क्यों बैच मोहम्मद सर क्या था इनका बताइए? एक्चुअली क्या इनको आने के बहुत हार्ड इसके अंदर, और एक अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट था उसके परिवार में कुछ कमी हो गई थी। ओके। तो इनको मैंने बोल रखा था अगर इनके अगर मेरा कॉल आता है तो तुमको इमरजेंसी में, तो इनको इमरजेंसी सीट में रखा था। अब रात में फोन किया और सुबह निकल गया। आपको ये नहीं लगा यार कौन जाए अब इतनी जल्दी? आप अगले महीने आए, ट्रेन में आए, जब जबल पे पहुंचे तो वहां भी सोच रहे थे कि यहां से ट्रेन जा रही चले जाए। फिर रात में एमडी सर आए। अच्छा उसी दिन ऐसा लगा? उसी दिन, मतलब थोड़ा अकेले थे ना, ऐसा बहुत अच्छा नहीं लगा। हां सही बात है। एमडी सर आए हॉस्टल में, वहां बताया तो थोड़ा अच्छा हुआ कि सुबह कैसे पहुंचे इंस्टीट्यूट। और जब यहाँ आए तो यहाँ तो जो जानकारी थी वो मिला एस आई टेलीकॉम से, यानी जो नहीं जानते थे वो मिला। उसके साथ में एक चीज और मिला यहाँ पे, इतने सारे फ्री में दोस्त भी मिल गए। अच्छा एस आई टेलीकॉम में इतने सारे दोस्त मिल गए फ्री में, और कोई कहाँ से है, कोई जम्मू से है, कोई कर्नाटक से है, ऑल ओवर इंडिया से, बहुत सारी जगह से मिल गए। ये फ्री में मिल गया सर, आपने तो जिया मुझे वो तो मिला ही मिला, और ये अपने मुझे फ्री। मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया के टेक्नीशियन का भी सपोर्ट है। हाँ, सर अभी कुछ होगा तो अपना एक ग्रुप है, ग्रुप है, तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि अब क्रम करने का एक सही तरीका है? बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि अब हमारे काम का नॉलेज भी हमें पता चला, हमने प्रैक्टिकल भी अटेंड किया, और हमारे पास बैकअप सपोर्ट में हमारे पास एक बड़ी टीम भी है और टीचर भी है। जी सर। तो मुझे बताइए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या किया? प्रैक्टिकल लाइफ में पावर ऐसे निकाले, लाइव फोन का सीपीयू निकाले। सीपीयू निकालने का कैसा फील किया? बहुत अच्छा फील किया। पहले तो कुछ होता था तो क्या हो गया तो बोले सीपीयू खराब हो गया, तो उसको धीरे धीरे ले जाओ, पता डर लगता था कि सीपीयू क्या करते भी नहीं थे सर। नहीं नहीं नहीं, सीपीयू का नाम आया ना तो सीधा धीरे धीरे ले जाओ भाई, सीधा मदरबोर्ड ही चेंज कर। मगर आप कम से कम जो कस्टमर को वापस देते थे ना, तो सर वो काम हम खुद करेंगे। आपने सर उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब हम मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे।
आज क्या किया? आज डबल टेकर था। डबल टेकर क्या क्लीनिंग प्रोसेस क्या था? प्रोसेस निकाल के रिवॉल्व करके और उसके बाद में लगाया। कैसा मतलब? बहुत अच्छा लगा सर। पहले ऐसा लग रहा था डबल टेकर है तो। अच्छा, यूट्यूब में तो देखते हो गए डबल टेकर का भी? खूब में देखते तो उन लोग देखते हैं, स्किप करके फिर सीधा हो गया बस चालू। अब वो चालू हो गया फिर दो दिन में फिर वापस से बंद हो गया। पापा खान यहाँ से जाने के बाद में क्या प्लानिंग है आपकी, मुझे बताइए? सर यहाँ से जाने के बाद में जितना सर यहाँ मेहनत कर रहे हैं उतना सोचेंगे कि मेहनत वहाँ भी करें। जी जी, बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिले। बिल्कुल, अगर हम उसके पीछे मेहनत करेंगे तो ही कुछ हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हमें कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी तो एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम है मेरे साथ, जाने के बाद भी मुझे सपोर्ट करें। एक बात और बताओ कि आपने यहाँ के जब पहले दिन आए काउंसलिंग मीटिंग, आपको आपके साथ में 20-20 साल के बच्चे बैठे हुए थे, आपने ऐसा फील क्यों तो नहीं किया कि यार मेरे साथ भी कम उम्र के बच्चे बैठे हैं? नहीं, नहीं सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होता। सर सही बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो आदमी सीखना चाहता है वो कभी भी सीख। सही बात है, नॉलेज ऐसी चीज है सर कि नॉलेज है वो तुम्हें से कोई छीन नहीं सकता। सही बात, कहीं भी बैठ के आप काम करो, कोई जरूरी नहीं कि हमारी दुकान मार्केट में हो या कोई गली चौराहे नाके पे। सही बात है, जो अच्छा काम करेगा उससे कस्टमर ढूंढ के आए। सही बात है, एक नॉलेज यही बहुत है कि हुनर। जी सर, एक चीज का अगर हुनर बन जाए तो बोलते हैं कयामत में भी हम पैसा कमा सकते हैं। जी सर, है ना? जी सर, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एक बार और मनीष मार्केट के लोगों को क्या कहना चाहोगे? सर जिसको भी आना है कहीं दिल्ली मुंबई जो इतने सारे लोग हैं वहाँ जाने से अच्छा है एक बार आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करोगे तो सलाह हो सकता है कि फिर और तुम्हारी वजह से 2-4 बच्चे यहाँ भी आएंगे। दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाना है, अगर सीखना चाहते हो तो एशिया टेलीकॉम। अभी लोगों को ये भी बताओ हिदायत, तो जो मनीष मार्केट में बैठे हैं इवन बहुत बड़े बड़े मार्केट में दिल्ली के भी गुजरात के भी हैं, बैठे हैं उसमें हीट मत दो। मैं इतना ये बताओ भी फोन बनाना नहीं आता, अवेयरनेस फैलाना है तो उसे हीट मत करो, मत या फिर ज्यादा ओवर हीटिंग करोगे सब फोन उसका सीपीयू देखो पूरा डेड हो जाता है। कोई कोई भी डेड फोन का पहला सोल्यूशन हीटिंग कभी नहीं होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्लैक पेस्टेड सीपीयू हीट करने से बैठ जाएगा? मुझे बताओ यहाँ पे बैठे हुए ऐसा बैठता है क्या? ब्लैक पेस्टेड तो बैठेगा ही नहीं, वो तो और फूल जाएगा और बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो प्लीज अवेयरनेस, ये आपको अवेयर फैला रहे हैं कि हीटिंग मत करो। कस्टमर के देखो हम जानते हैं, आप लोग बहुत सारे बोर्ड लेके आते हैं, हमें कुरियर आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका लोगो वाला फोन होता है, वो लोगों का भी खत्म कर देते हैं और लोग बेचारे एक फोन खराब हो जाते हैं तो उनको उम्मीद हट जाती है, दुकान वालों को गाली बकते हैं बहुत सारे। मुझे जहाँ दिया था वो पूरा खत्म हो गया, किसको दिया था फिर वो कस्टमर वहाँ जाता है बोलते तुमने ये कर तुमने ये कर दिया, तो ऐसा नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके सर, मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?